टूनी चिड़िया इस पर बहुत खुश थी क्योंकि उसके मक्के की खेती बहुत अच्छा हुआ था, और वो ये सोच रही थी कि इस बार मक्का बेचकर बहुत सारा मुनाफा कमाएगी। बाप रे, इतना अच्छा पैदावार! मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है टुनटुनी के पापा। थोड़ा और पक जाए तो इसे तोड़कर बाजार में बेच देंगे, और बारिश का मौसम आ ही गया है, फिर से मक्के की खेती ही करेंगे, क्योंकि इसमें मेहनत भी कम और मुनाफा भी ज़्यादा है। धान की खेती में तो कीचड़ में हेल कर करना पड़ता है। क्यों, इसमें आपकी क्या राय है? मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वो कोई भी फसल क्यों ना लगाना पड़े। अब कालू कौवा और गोरी कौवी को देख लो, पूरे दिन घर में सोए रहते हैं और जब भूख लगती है तो किसी का भी खाना चुरा कर खा जाते हैं। अरे, लगता है तेज आंधी के साथ बारिश होने वाली है। चलो चलो, हम सब घर चलते हैं। पापा पापा, मैं तो इस तेज बारिश में जरूर नहाऊंगी। नहीं बेटा, तूफान वाली बारिश में कभी नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि इसमें जान भी जा सकती है। पूछो कैसे? वो ऐसे कि जब तेज आंधी चलती है तो उसमें किसी का घर, पेड़ की टहनी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर उड़ जाते हैं, और वही जब हम खुले में रहते हैं तो हमें आकर लग जाती है, और कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब भी आंधी आए हमें अपने घर के अंदर ही रहना चाहिए, तभी वहाँ पर गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों आ जाते हैं। अरे भाई, अब यहाँ पर कौन सी फसल बोने की प्लानिंग चल रही है? इतना अच्छा तो मक्का हुआ है। जब पूरा फैमिली एक साथ आया है तो कुछ न कुछ बड़ा खेती करने की ज़रूर सोच रहे होंगे। कहीं ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अफीम अफीम की खेती करने का तो इरादा नहीं? अरे कालू जी, कोई कुछ भी करे, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो बस जहाँ जाते हैं बस शुरू हो जाते हैं। अरे जो काम से आए हैं वो साफ साफ बोलिए ना, क्यों फालतू की इधर उधर बतिया रहे हैं? ऐसा है टुनी बहन, आप इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, इनकी तो आदत है बक बक करने की। आप बुरा ना माने तो दो चार मक्का तोड़ लूँ, बुनकर खाने का बड़ा मन कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो हम दो चार दिन में मक्का तोड़ने वाले हैं, आपको उसी समय बुलाकर दे देंगे। अभी तो भगवान को भी नहीं चढ़ाया, नहीं तो हम आपको दे देते। और देखिए ना, मौसम भी कितना खराब हो रहा है, लगता है बारिश बहुत तेज होगी। पिछले साल तो इसी टाइम इतना बारिश और आंधी आया कि सारा फसल खराब हो गया था। इस साल देखिए क्या होता है। चलो चलो, सभी लोग घर चलते हैं, अगर इस बारिश में गिर गए तो घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। सभी लोग वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं खाना पीना खाने के बाद। कितना घमंड है उस टूनी चिड़िया को, पहले भगवान को मक्का चढ़ाएगी तब देगी हमें खाने को। मेरा तो मन कर रहा है कि आज ही रात को सारा मक्का तोड़ लाऊं, फिर देखता हूँ कैसे बाजार में बेचकर मुनाफा कमाती है। तुम तो बस सोचते रहो, करते वरते तो कुछ नहीं। अगर तुम भी खेती कर लेते तो आज किसी का खाना चुरा कर खाना नहीं पड़ता। अपने तो चोरी करते हो, हमको भी साथ में मार खिलवाते हो। लेकिन एक बार कान खोलकर सुन लो, इस बार मैं चोरी करने नहीं जाऊंगी। तुमको खिलाना है, चाहे जहां से मर्जी कमा कर खिलाओ, समझे? जब भी अच्छा पैदावार होती है कुछ ना कुछ समस्या आ ही जाती है। अब तुम ही बताओ टुनटुनी के मम्मी, अगर आज तेज बारिश हुई तो सारा फसल खराब हो जाएगा, क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डरो मत टुनटुनी के पापा, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी सी हवा चलेगी और हल्की बारिश होगी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम खराब हुआ था पहले से तो काफ़ी ठीक है। बल्कि मुझे उस गोरी कौवे और कालू कौवे पर विश्वास नहीं हो रहा है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उन्हीं के बारे में ज़्यादा सोचिए कि क्या करना चाहिए। हाँ, तुम ठीक बोल रही हो, मेरे पास एक जुगाड़ है। हमारे फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हमारे पास एक
ऐसा यंत्र है जिसका नाम है झटका मशीन। इसको खेत में लगाने से कोई भी पशु पक्षी पास में नहीं जाते हैं, क्योंकि इसके चपेट में आते ही जोर से करंट लगता है और फिर किसी की हिम्मत नहीं होती कि इसके पास जाए। चलो यही हम अपने खेत में लगा देते हैं। टूनी चिड़िया अपने पति के साथ खेत पर जाकर वो झटका मशीन लगा देती है और अपने घर चली जाती है। कुछ देर बाद कालू कौवा और गोरी कौवी मक्का चुराने आते हैं, और जैसे ही कालू कौवा मक्का तोड़ने की कोशिश करता है तभी उसे करंट लग जाता है और वहीं फड़फड़ाने लगता है। ये देख गोरी कौवी घबरा जाती है कि ये क्या हो गया। तभी टूनी चिड़िया और उसका पति मक्के की खेत पर चले आते हैं और देखते हैं कि कालू कौवा मक्के की खेत में गिरा हुआ है और गोरी कौवी जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। अच्छा, मुझे तो पहले ही शक था, तभी तो अपने खेत में ये झटका मशीन लगवा दी। सारा दुनिया सुधर जाएगा, लेकिन तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। मेहनत करके खाना तो खा नहीं सकते, कम से कम झटका तो खाओ। टुनी बहन, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पति को बचा लो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, खेत में करंट नहीं फैलाना चाहिए था। अब तुम ही बताओ, अगर मेरे पति को कुछ हो जाता तो मैं किसके सहारे जिंदा रहती? मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाती। टूनी बहन, प्लीज़ मेरे पति को बचा लो। अगर आज कुछ हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी, कहीं की नहीं रहूँगी। बचा लो मेरे पति को। टूनी बहन, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बचा लो मेरे पति को। आज के बाद कोई चोरी नहीं करूंगा, कसम खाता हूँ। अपनी बीबी की बात कभी नहीं मानूंगा, यही मुझे चोरी करने को उकसाती है। बोलती है जिंदगी मिली है तो ऐस करो, हाय हाय करने से क्या होगा, इसलिए मुझे खेती करने नहीं देती। लेकिन आज के बाद मैं इसकी कोई बात नहीं मानूंगा। आय रे मेरी फूटी किस्मत। चलो ठीक है, कम से कम गलती का एहसास तो हुआ। आज के बाद कभी मत चोरी करने की सोचना। और हाँ, कल हम अपना मक्का तोड़ेंगे, जितना चाहे आकर ले जाना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि चोरी कभी नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।